दोस्तों स्मार्टफोन कंपनियों का आजकल आपस में इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है कि हर हफ्ते दो हफ्ते में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करना पड़ रहा है। कंपनियां सोच रही हैं कि अगर हम ना निकाले तो दूसरी कंपनी आगे ना निकल जाए। इसी के चक्कर में आजकल कई कंपनियां क्या कर रही है, अपने पुराने ही मॉडल को नया रूप देकर मार्केट में उतार रही है। यही काम यहाँ पर रेडमी ने भी किया है। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा पोको सब ब्रांड है रेडमी का ही, यानी कि दोनों एक ही ब्रांड है, लेकिन यहाँ पर रेडमी ने हाल ही में लॉन्च किया है Redmi A2 नाम से एक नया स्मार्टफोन, और इसमें नया कुछ भी नहीं दिया गया है। वही पुराना Redmi A1, A1 Plus या फिर Poco C50 और Poco C51 के जैसा ही नया स्मार्टफोन नया नाम से मार्केट में उतार दिया है। आप सभी यही सोचोगे कि दोस्तों ये नया स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, इसमें कई सारे नए फीचर्स ऐड किए गए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के इस वीडियो में हम यही सब कुछ जानने वाले हैं और इन दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन करने वाले हैं एक साथ। तो दोस्तों Redmi A2 जिसका काफी ज्यादा प्रचार प्रसार किया गया है, काफी सारे एड्स आपको इसके देखने को मिल जाएंगे। इस फोन को स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसकी बॉक्स पैकिंग को देखें तो मोबाइल का डिजाइन आपको बॉक्स पर नजर आ रहा होगा, जो कलर वेरियंट में आता है वो भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। नीचे Redmi A2 और 5000mAh बैटरी और ऑक्टा कोर प्रोसेसर को यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया गया है, ऊपर मेड इन इंडिया। वहीं Poco C51 को देखें तो यहाँ पर आपको मोबाइल का डिजाइन बॉक्स पर देखने को नहीं मिलेगा। बैक साइड में हाईलाइट फीचर्स मेंशन किए गए हैं जिन्हें मैं आपको वीडियो में आगे बताता रहूंगा। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, ऐसी वीडियोस मैं रेगुलर आपके लिए यहाँ पर लाता रहता हूँ। हालांकि दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स आपको अलग अलग टाइप के देखने को मिलेंगे, लेकिन ओपन एक ही जैसे होते हैं। देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से ओपन होते हैं दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स, और यहाँ पर अंदर कुछ इस तरह से हमें ओपन करना है, और सबसे ऊपर आपको नजर आ जाएंगे स्मार्टफोन रखे हुए। इन्हें तो रखते हैं हम फिलहाल साइड में, और अंदर देखें तो यहाँ पर आपको एक लो क्वालिटी के एक एक मिनी बॉक्स मिल जाते हैं, जिनके अंदर दिए गए हैं चार्जर अडेप्टर और USB केबल। निकाल के इनको पहले बाहर रख देते हैं और फिर देखते हैं कैसे चार्जर अडेप्टर आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अब देखिए दोस्तों क्या अंतर नजर आ रहा है आपको इन दोनों स्मार्टफोन के चार्जर अडेप्टर में। बिल्कुल सेम क्वालिटी के चार्जर अडेप्टर हैं, लेकिन दोस्तों चेक कर लेते हैं क्या पता कहीं अलग अलग वॉट के हो। तो देखिए दोस्तों 5V 2A की आउटपुट रेटिंग दोनों चार्जर से आपको मिल रही है, दोनों पर MI की ब्रांडिंग की गई है, यानी कि 10V के चार्जर अडेप्टर दोनों ही स्मार्टफोन के साथ आपको मिलते हैं। इसके बाद हम USB केबल देखें, बिल्कुल सेम टू सेम USB केबल। ओपन करके देखते हैं इस USB केबल को, तो ये दोनों ही केबल निकल के आती है माइक्रो USB केबल। आप केबल देखिए कोई भी अंतर नजर नहीं आएगा दोनों स्मार्टफोन की केबल पर। और अब स्मार्टफोन देखिए दोस्तों, पोको के स्मार्टफोन पर पोको की ब्रांडिंग और रेडमी के स्मार्टफोन पर रेडमी की ब्रांडिंग आपको नजर आ रही होगी, और दोनों ही स्मार्टफोन में आपको ड्रॉप नॉच डिस्प्ले दी गई है, कोई प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड दोनों स्मार्टफोन पर नहीं मिलता है, एक जैसी हाइट है दोनों स्मार्टफोन की और एक जैसे लग रहे हैं दोनों स्मार्टफोन हाथ में, कोई भी अंतर आपको फील नहीं होगा दोनों स्मार्टफोन को हाथ पर रखने पर। लेकिन बैक पैनल देखे दोनों स्मार्टफोन के, तो ये दोनों अलग अलग कलर वेरियंट है, और एक अंतर तो आपको साफ साफ नजर आ गया होगा दोस्तों, पोको में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जबकि रेडमी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दे रहा है, तो ये माइनस पॉइंट आ गया रेडमी के लिए। एक यहाँ पर रेडमी की ब्रांडिंग और यहाँ पोको की ब्रांडिंग, करीब से दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल को देखिए, प्लास्टिक बॉडी है और लेदर टाइप का फिनिशिंग बैक पैनल में दिया गया है दोस्तों। इन पर हालांकि स्क्रैचेस कम आएंगे, ग्रिप अच्छी बनी रहेगी, कॉर्नर इनके कर्वी हैं, कैमरा मॉड्यूल बिल्कुल एक जैसे दोनों स्मार्टफोन के देखने को मिलेंगे आपको, दोनों आपको डुअल कैमरा के साथ मिलते हैं, जहां आपको मिलेगा मेन कैमरा 8MP का और दूसरा AI लेंस कैमरा या फिर सपोर्टर कैमरा बोल सकते हैं हम, विद LED फ्लैश लाइट दिया गया है। और फ्रंट में दोनों स्मार्टफोन ड्रॉप नॉच के अंदर आपको दे रहे हैं 5MP का सेल्फी कैमरा। दोनों स्मार्टफोन के कॉर्नर आपको राउंडेड और यहाँ थोड़ा फ्लैट डिजाइन देखने को मिलता है, जहां राइट साइड में है पावर ऑन की, जस्ट ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स, और ऊपर की साइड देखिए दोस्तों स्पीकर पोर्ट आपको यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के ऊपर दिख रहे होंगे, आपको लगेगा कि आपको यहाँ पर डुअल स्पीकर दिए गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, बस नीचे के स्पीकर निकाल के ऊपर फिट कर दिए हैं, यही अंतर है। बगल में आपको सिम ट्रे मिलती है, यहाँ ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिल जाते हैं दोस्तों, दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड तीनों एक साथ लगा सकते हैं दोनों स्मार्टफोन पर। और बॉटम में प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और 3.5mm का ऑडियो जैक दिया गया है। अब दोनों स्मार्टफोन को तो हमने बूट करके रख लिया है, अब यहाँ पर आपको इंटरफेस दिखाते हैं, एक जैसे वॉलपेपर आपको दोनों स्मार्टफोन में नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले तो इन दोनों स्मार्टफोन की जो ब्राइटनेस है, यहाँ इंटरफेस बिल्कुल एक जैसा दिया गया है और ब्राइटनेस हमने फुल कर दी है। अब करीब से दोनों के डिस्प्ले को देखिए, क्या अंतर है दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले में, कुछ भी नहीं है, सेम ब्राइटनेस है, सेम कलर्स है, सेम क्लैरिटी है और
और सेम आइकन है दोस्तों। पर यहाँ पर एज और बेजल जो है वो भी बिल्कुल सेम टू सेम आपको नजर आएंगे दोनों स्मार्टफोन के। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में स्क्रॉल अप करते ही सारे के सारे एप्लीकेशन आपको नजर आएंगे। अंदर जो प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन दिए गए हैं वो भी एक जैसे आपको मिलते हैं और दोनों में आपको गो एडिशन दिया गया है। बाकी टच तो दोनों का काफी स्मूथ है। 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन। 400 निट्स की ब्राइटनेस आपको दोनों स्मार्टफोन में दी गई है। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले साइज की, तो दोनों ही स्मार्टफोन में 6.52 इंच की HD प्लस IPS LCD मिलती है जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल डेंसिटी 269 PPI की दी गई है। सेम हाइट के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन। 164.9 mm की हाइट है दोनों स्मार्टफोन की और विड्थ भी बिल्कुल सेम 76.7 mm और 9 mm की थिकनेस दोनों में मिलती है। वेट दोनों का 192 ग्राम है और दोनों के अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है। सेटिंग ओपन कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की, तो अंदर देखिए दोस्तों यहाँ भी इंटरफेस दोनों स्मार्टफोन का एक जैसा आपको नजर आ रहा होगा। सिस्टम ऐप अपडेटर सारे ऑप्शन यहाँ पर एक जैसे दिए गए हैं। एप्स, नोटिफिकेशन, बैटरी, स्टोरेज ओपन करें तो स्टोरेज में आपको अंतर नजर आएगा दोस्तों। ये हमारे पास 2GB 32GB वेरियंट है और पोको C51 है हमारे पास 4GB 64GB वेरियंट। 64GB का स्टोरेज, 32GB का इंटरनल स्टोरेज यहाँ पर नजर आ रहा होगा। सबसे नीचे अबाउट फोन सेक्शन में नाम देखिए दोस्तों, पोको C51 और Redmi A2 लिखा हुआ है। इसे ओपन करें तो यहाँ पर आपको सारा डिटेल्स मिल जाता है। ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन इसके अबाउट फोन सेक्शन में आपको नहीं दिया गया है। बाकी यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 गो एडिशन के साथ आते हैं और प्रोसेसर क्या है, रैम, रोम कुछ भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। तो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन में 2.2 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया गया है और चिपसेट MediaTek Helios G36 का जो बेस्ड है 12 nm के फैब्रिकेशन पर और ग्राफिक पावर VR G8320 के दोनों स्मार्टफोन में आपको मिलते हैं। बाकी एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों ही स्मार्टफोन में आप 1 TB तक बढ़ा सकते हैं। रैम टाइप LPDDR4X और स्टोरेज टाइप eMMC 5.1 का दिया गया है। और अब दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के कैमरा पे भी नजर डालते हैं, तो दोनों स्मार्टफोन के जो रियर कैमरा है नॉर्मल मोड में ओपन कर दिए हैं और कैमरा क्लैरिटी में क्या अंतर है, कुछ भी नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों एक जैसे कलर्स, एक जैसी ब्राइटनेस और कैमरा यहाँ पर कहूंगा कि प्राइस के हिसाब से, अभी प्राइस आपको आगे बताऊंगा दोनों स्मार्टफोन के और ये भी बताऊंगा कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए सही रहेगा। प्राइस के हिसाब से अच्छे कैमरा दोनों में मिल जाते हैं, 8 MP के हैं और क्लैरिटी काफी अच्छी है। काफी हद तक नेचुरल कलर देखने को मिल जाएंगे आपको दोनों स्मार्टफोन के कैमरा से। 4x जूम सपोर्ट करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरा। तो रियर कैमरा आपको ठीक ठाक मिल जाते हैं, पोर्ट्रेट का ऑप्शन दिया गया है दोनों स्मार्टफोन के कैमरा में और शॉर्ट वीडियो टाइमलैप्स का ऑप्शन, अगर स्लो मोशन में वीडियो शूट करते हो तो वो आपको दोनों स्मार्टफोन में नहीं मिलेगा। फ्रंट सेल्फी कैमरा देखते हैं तो एक जैसी स्पीड है कैमरा की। तो ये देखिए दोस्तों मैं कहूंगा यहाँ पर नॉर्मल वीडियो कॉलिंग के लिए अच्छे कैमरा आपको दिए गए हैं, लेकिन अगर आप सेल्फी लेना पसंद करते हो दोस्तों तो बिल्कुल भी आपको इनके सेल्फी कैमरा पसंद नहीं आएंगे। काफी फीके फीके से कैमरा लग रहे हैं, कोई कलर्स नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं, बस यहाँ पर कैमरा दे दिए हैं फ्रंट में 5 MP के। कोई जूम सपोर्ट भी आपको दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा में नहीं मिलता है। अब आती है दोस्तों बात दोनों स्मार्टफोन के प्राइस की, तो जो Redmi A2 है वो दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। 2GB 32GB वेरिएंट आपको मिल रहा है 6,299 रुपए का और 4GB 64GB मिल रहा है आपको 7,999 रुपए का। तो वहीं पर बात की जाए पोको C51 की, तो इसका अभी एक ही वेरिएंट आपको मिल रहा है 4GB 64GB वेरिएंट। अभी कुछ दिन पहले सेल चल रही थी तब इसका प्राइस मात्र 6,999 रुपए किया हुआ था, लेकिन अभी देखिए दोस्तों जैसे ही ये स्मार्टफोन को लॉन्च किया इसका प्राइस थोड़ा बढ़ा दिया, अब ये आपको 500 रुपए ऊपर मिल रहा है 7,499 रुपए का। हो सकता है इन फ्यूचर्स कभी सेल आ जाए तो फिर ये ड्रॉप हो जाए। वैसे तो दोस्तों कार्ड ऑफर इनका यूज करके कुछ परसेंट डिस्काउंट तो आपको मिल ही जाता है। तो मेरे हिसाब से इन दोनों स्मार्टफोन में तो आपके लिए बढ़िया रहेगा पोको C51। फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है दोस्तों आपको इसमें, साथ ही 7,500 रुपए में आपको 4GB रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है, जबकि इतना ही रैम स्टोरेज पाने के लिए यहाँ आपको Redmi पर 8,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। बाकी तो अपनी अपनी पसंद होती है, आपको Redmi ही ब्रांड पसंद है, Redmi चाहिए आपको पीछे लिखा हुआ, तो आप Redmi परचेज कर सकते हो 8,000 रुपए में। मेरे हिसाब से ये दोनों स्मार्टफोन नॉर्मल यूज के लिए तो बढ़िया है दोस्तों। अगर आप बिगिनर हो, फर्स्ट टाइम स्मार्टफोन यूज कर रहे हो या फिर हमारे पेरेंट्स जो हैं फीचर्स फोन से शिफ्ट हो रहे हैं, आप स्मार्ट
स्मार्टफोन की ओर, तो उनके लिए ये स्मार्टफोन बहुत बढ़िया है। वो इस पर यूट्यूब में आराम से वीडियो देख सकते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जैसी एप्लीकेशन आराम से चला लेता है। प्लस आपको इसमें गूगल पे, फोन पे का सपोर्ट मिल जाता है। अगर आप गेमिंग करते हो तो छोटे मोटे गेम तो हर कोई फोन चला लेता है, 2-3 हज़ार रुपये के फोन भी आपको कैंडी क्रश और ये सबवे सर्फेस सारे गेम चला के दे देते हैं। लेकिन दोस्तों जहां गेम की बात आती है, जो असली गेम है जिनमें आपको थोड़ा आनंद भी मिलना है, जैसे कि BGMI, फ्री फायर, इनमें नहीं चलेंगे दोस्तों, हीट होगा और आपका मोबाइल स्लो भी हो जाएगा। नहीं बने हैं दोस्तों ये फोन उन गेम्स के लिए। बाकी अगर आप स्टूडेंट्स हो, ऑनलाइन पढ़ाई करते हो, तो तब भी ठीक है दोस्तों, आराम से पढ़ सकते हो। और अगर आप मल्टीटास्किंग करते हो और थोड़ा बहुत मोबाइल का ढंग से यूज करते हो, मतलब कि काफी सारा वर्क करते हो मोबाइल पर, एडिटिंग हुआ, फोटो एडिटिंग, काफी सारी चीज होती है मोबाइल पर, तो वो सब करते हो, तो उन सब के लिए ये स्मार्टफोन नहीं है। आज की डेट में अगर आप 8-9 हज़ार रुपए भी खर्च करो तो बहुत बढ़िया स्मार्टफोन मिल जाते हैं, इनसे कई गुना बेटर स्मार्टफोन। ज्यादा कोई खास प्रोसेसर नहीं दिया गया है, ज्यादा कोई खास कैमरा नहीं मिलता है, ऊपर से यहाँ पर आपको चार्जर भी नॉर्मल से 10 वॉट के दिए गए हैं, जो कि मोबाइल को काफी टाइम लगाएंगे फुल चार्ज करने में। आजकल तो हमारे इंडिया का स्मार्टफोन ब्रांड लावा युवा तक दे रहा है टाइप सी चार्जर मात्र 6 हज़ार रुपए के अंदर, तो ये क्यों नहीं दे रहे हैं? बाकी तो अपनी अपनी पसंद।